हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है, बज चुके हैं 11 और मैं उठ गई थी 8:30 बजे ही, पर थोड़ा बहुत मतलब काम था वो निपटा लिया वीडियो वगैरह का। और आज का व्लॉग होने वाला है, मतलब कुछ स्पेशल नहीं होने वाला, पता नहीं क्या होने वाला, मुझे भी नहीं पता। आज कोई स्पेशल ऐसा कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास, पर यस पूरे दिन का दिखाऊंगी। एक जो मेन चीज़ रहेगी कि मुझे पैकिंग करनी है, और वो किस लिए करनी है, वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। वो कल वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ के लिए पैकिंग कर रहे हैं। और बस अभी हम नाश्ता करेंगे, गीता आई हुई है, वो बना रही है आज चिल्ला। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो का काम था, एडिट वगैरह वो कर रही थी। अभी मैं जाऊँगी सीधा नहाने के लिए, उसके बाद हम मैं और अमित जी करेंगे साथ में ब्रेक। ये गीता हमारे लिए बना रही है यहाँ पे चिल्ला। हेलो गीता, गर्मी में हो गई है। नहा के आ गई हूँ, रेडी नहीं हुई क्योंकि अभी कोई वीडियोस तो बनानी होती नहीं है, मतलब अभी बनानी नहीं है। देखती हूँ अगर शाम तक अगर मेरा मन किया बनाऊंगी तो ही रेडी होंगे, अदरवाइज तो नहीं। हरी चटनी, लाल चटनी, चिल्ला, ये मेरी चाय, ये अमित जी की चाय। तो अब हम करते हैं नाश्ते को एंजॉय, ठीक है? इधर देखना, यप बेबी। शाम के बज गए हैं 5 और मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब अपना पर्सनल काम किया, मतलब जैसे कि कल हम जाएंगे तो कपड़े वगैरह थे बहुत सारे वो धुले, और कुछ अपना खुद का मतलब किया। पैकिंग तो अभी भी नहीं करी, अभी मैं स्टार्ट करूँगी, अभी मैंने करी नहीं है, कुछ मन ही नहीं कर रहा है। एक आध दिन बोरिंग डे होता है तो देखती हूँ क्या कुछ कर सकती हूँ मैं स्पेशल। कल मेरे बालों में बहुत ज़्यादा वो हेयर स्प्रे लग गया था तो मैंने अमित जी से फिर से कराई ऑयलिंग, इन्होंने करी, अभी मैंने कॉम कर लिया तो शाम को धुलूंगी या फिर कल धुलूंगी। और अभी मैं खाने वाली हूँ मैंगो। अभी मैं ये ऊपर से दिखने में ग्रीन लग रहा है बट ये अंदर से पूरा मीठा मिलेगा, तो अभी मैं इसको कट करूँगी, इनको भी खिलाऊँगी क्योंकि पूरा मेरे से नहीं खाया जाएगा। मैं जा रही हूँ मार्केट, एक सूट आया हुआ था इसकी फिटिंग करानी है और कुछ सामान लेके आना है, तो मैं चली मार्केट अमित जी के साथ, मैं और अमित जी दोनों। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। आप बताओगे मुझे खोलने के लिए? और मुझे नहीं पता था। वाओ, तो जी आ गई हूँ मैं शॉप में, अभी चूज करती हूँ। मिस्टर हस्बैंड ये देखते हैं कितना चूज़ कराएंगे, कुछ पता नहीं हमें, तो फटाफट से पहले मैं चूज़ कर लेती हूँ 2-4, फिर उसमें से सेलेक्ट करूँगी। एक्चुअली जिस शॉप से हमेशा मैं लेती थी उस शॉप से मुझे पसंद आई नहीं, तो उसके साइड में जो एक और शॉप है वहाँ से लेने आई हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो देखती हूँ मैं कौन सा चूज़ करती हूँ इसमें से। और ये कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है मेरी, नेक्स्ट टाइम मैंने भी यही करना है। तो जी यहाँ पे फेस कवर कर लिया मैंने बाहर आने के बाद, तो 2 चीज़ें ली हैं, एक अभी ऑल्टर के लिए दे दिया, तब तक मैं चप्पल अभी मुझे देखनी है, देखती हूँ कुछ पसंद आएगा क्या आएगा। इतने सुंदर सुंदर है ना, ऐसा मन करता है सारी खरीद लूं, पर बजट कम है। अभी भी मार्केट में ही घूम रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी पेंट भी फिर ठीक कराने के लिए, वो हुई नहीं है। तो जी मैंने लिए हैं 2 टॉप, एक चप्पल और एक जीन्स, अभी देखते हैं कुछ और पसंद आते हैं तो। तो अब हम अमित जी खा रहे हैं यहाँ पे मोमोज, ये देखिए, और मैं खाने वाली हूँ ये भेलपुरी, मुंबई की फेमस, ये बहुत अच्छी बनाते हैं भैया। और सारी चीज़ें हो गई है, मैंने इयररिंग्स भी ले लिए हैं, अब सिर्फ हम यहाँ से निकल के मैंने जो अपनी पैंट दी थी ऑल्टर के लिए तो वो उठानी है, उसके बाद सीधा हम निकल जाएंगे घर की तरफ। तो जी मोमोज हो चुके हैं फिनिश, क्योंकि हाफ प्लेट ही लिए थे और अब बनवाई है सेव पूड़ी, अब खाएँगे वो। मार्केट को तो आप लोग सब पहचानते ही होंगे, कौन सी मार्केट है ये? मीडियम भैया मिर्च की पूछ रहे कितने डाले। तो जी आ गई है भेलपुरी, ये देखिए किस टाइप से भेलपुरी नहीं सॉरी सेव पूरी, अब हम खाएंगे ये। अमित जी खा के दिखाओ एक फटाफट से, ऐसे पकड़ो, हाँ ऐसे, और ऐसे करो और मुंह बंद करके खाओ, कैसा मजा आया मजा? अब मैं दिखा। भाई और बहनों गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पर खाते टाइम गर्मी को ना देखो और फटाफट से इसको, ये ज़्यादा बड़ा वाला क्यों आया मेरे टाइम में, ही छोटा नहीं आ सकता था, ये और भी बड़ा है, यही उठा लेते हो, तो ऐसे उठाना है। और खा के हम लोग आ गए और अभी निकल लिए हैं वापसी की तरफ, मैंने सर में कर रखी है ऑयलिंग, तो थोड़ी
भी चिपचिप वाले बाल हो रखे हैं। और आज क्या हुआ हमारे साथ पता है आप लोगों को, कि गीता आ गई पीछे से खाना बनाने के लिए और चाबी मैं अपने साथ ले आई। हमेशा मैं गेट पे दे देती थी चाबी, आज मैं लेके आई तो वो खाना बनाने के लिए आ गए। वो बनाए कैसे, हमें पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा अभी, क्योंकि अभी निकले हुए हमें 2-4 मिनट ही हुए हैं, तो फिर खाने का आज उनको करना पड़ेगा। ठीक है जी, आज आपकी जिम्मेवारी खाना बनाना। बनाओगे? आपकी जिम्मेवारी क्या है? मेरी जिम्मेवारी खाना। अच्छा। पेट भर के नहीं, देखते हैं जाके क्या बनाएंगे। वैसे तो हल्का फुल्का तो खा लिया, आधा पेट तो भर गया, देखते हैं बाधा कैसे भरेंगे। जाके मैगी बनेगी, क्या बनेगा। 2-3 सूट प्रमोशन के लिए आए हुए थे तो उनके ऑल्ट्रेशन कराना था, वो करा लिया, वो उठा लिया, जाते टाइम दे दिया था अभी उठा लिया, क्योंकि 2 दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगी। अरे यार मैंने तो बता ही दिया हम लोग जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन। तो आप, मेरा कई दिन से ना ऐसे हो रहा है कि ना पेस्ट्री खाने का मन, केक खाने का मन, तो नई शॉप ओपन हुई है यहाँ पे आए हैं, अभी खाएंगे पेस्ट्री। ये देखिए पीछे अग्रवाल स्वीट्स करके खुला था, अग्रवाल ये क्या है मित्तू? तो मिला नहीं इस पे पेस्ट्री, बोले पेस्ट्री नहीं है, बाकी सारी स्वीट्स है। मैंने मन तो पेस्ट्री खाने का कर रहा है। अभी हम आ गए हैं किधर, क्या खाना आपको? पहले तो नीचे देख लेते हैं कहीं गिर ना जाए। क्या खाना आपको? ये हमारे पास में पड़ती है ये वाली मॉल है, एक्चुअली ये मॉल में ही सारा, जब एक बार शायद मैंने आप लोगों को दिखाया भी होगा, ये भी करनी है यहीं पे, ये सारी मार्केट यहाँ पे आई है। आप लोगों को दिख रहा होगा अभी तो बाल कितने जल्दी से लग रहे हैं ना। तो हम पहुँच गए बीकानेर में, अभी वो लेने गए हैं पेस्ट्री और वो शायद रसमलाई खाएंगे। ये देखिए आज कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, आज कम भीड़ है। लो जी आ चुकी है इनकी रसमलाई और मेरी पेस्ट्री है, अच्छी है मस्त। किस चीज़ का मन कर गया खाने का जल्दी बताओ। आ गई हूँ घर पे, ये 2 जोड़ी तो मैं इयररिंग्स लेके आई हूँ, एक ये और एक ये वाले, ये चप्पल लेके आई हूँ। हालांकि मुझे दूसरे कलर में चाहिए थी बट था नहीं, तो फिर मैं ये वाला ही ले आई। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये एक टॉप लेके आई हूँ, सैंडो ही बोल लो इसको, एक ये वाला मुझे अच्छा लगा, थोड़ा अच्छे डिज़ाइन में था। और ये एक पेंट लेके आई हूँ मैं, पेंट यानी कि जीन, इस लुक में मेरे पास थी नहीं, बस ये थोड़ी सी शॉपिंग करी। और तो गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।